तो वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस, आई डोंट लाइक वॉयलेंस बट वॉयलेंस लाइक्स मी। तो केजीएफ 2 का ये डायलॉग आपने कभी ना कभी फ्रेंड्स आपने सुना होगा और ऐसे व्यक्ति का सामना भी जरूर किया होगा जो बहुत गुस्से में, जो बहुत एंग्री है, जो बहुत आपको एग्रेसिव मोड्स में देख रहा है, जो एग्रेशन में एकदम वॉयलेंट हुआ जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर सामना हमको एज ए सिक्योरिटी गार्ड करना पड़े तो हम लोग कैसे करें, तो आज इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है गौतम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गौतम लाइव ज्ञान, यूट्यूब का नंबर वन चैनल फॉर सिक्योरिटी नॉलेज। तो आइए देखते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति आप गुस्सा होता है तो गुस्सा होने की वजह क्या है? एक वजह है बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट ही गुस्सा है, पैदा ही गुस्सा हुआ है, पप्पा पे भी उसने गुस्सा किया है, व्हाई 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 आई एम हियर। ओके, दूसरा जो होता है परिस्थिति वश गुस्सा हो जाते हैं, मतलब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसकी वजह से गुस्सा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपको यूनिफॉर्म लेने के लिए ऑफिस में बुलाया और 4 घंटा बिठाने के बाद बोला, एक्सक्यूज मी संतोष, हाँ मैडम, मैं वो यूनिफॉर्म मेरा नहीं, नहीं नहीं, एक काम है, अपना पांडू आज आया नहीं है तो आप घर पे जाइए, कल आइएगा। अब पांडू नहीं आया उससे क्या मतलब है? अरे 4 घंटे क्यों बिठाया मेरे को, नाइट में ड्यूटी जाने का मेरे को, हाँ आवाज नीचे करके बात करो, ऑफिस है। अरे ऑफिस है तो क्या मतलब, कुछ कानून कायदा है कि नहीं, मतलब तुम्हारे टाइम की वैल्यू मेरे टाइम की वैल्यू नहीं है क्या? तो अब ये व्यक्ति गुस्सा क्यों हुआ? अरे इसका नेचर नहीं है ऐसा, परिस्थिति ने इसको मजबूर किया। 4 घंटे इधर बिठाया, 2 घंटे ट्रैवल करके आया, 2 घंटे भी ट्रैवल करके जाएगा, 8 घंटे इधर ही हो गए, और फिर अब सोएगा कब? नाइट में स्लीपिंग होगा तो एयर ऑफिसर चार्ज मारेगा, फाइन मारेगा, इसको कौन भरेगा वो? और इसकी गलती नहीं है। तो यहां व्यक्ति गुस्सा हो जाता है। तो आपके भी सामने जो व्यक्ति आएंगे, इन्हीं 2 वजहों से आप देखेंगे कि ज्यादातर वो गुस्सा होते हैं, ठीक है ना? तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने आए तो क्या करने का? तो सेटल मेथड का इस्तेमाल करने का। सबसे पहला एक काम करने का, जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने आए ऐसे गुस्से में, आपको कोई स्थिति दिखे, सबसे पहले आपको काम करना है, ऐसे व्यक्ति को आइसोलेट कर लेना है। सेटल मेथड का इस्तेमाल करने से पहले आइसोलेट करो। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? आइसोलेट का मतलब है उस व्यक्ति को उस जगह से जहां रिसेप्शन में बहुत गुस्सा कर रहा है, तो रिसेप्शन से साइड में लेके जाओ, कोना कुप्चा सुमड़ी उधर लेके जाने का, कोई इंटरव्यू रूम है, कैबिन वगैरह है, या फिर अलग से थलग कोई जगह है, वहां पर ले जाइए, ठीक है ना? और फिर आपको सेटल मेथड का इस्तेमाल करना है। अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों अलग लेके जा रहे हैं, उधर ही क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर ये व्यक्ति कंटिन्यू यहां पर रहेगा तो क्या करेगा? चिल्लाएगा, अपनी बातें चिल्ला चिल्ला करेगा, क्योंकि गुस्से में है ना, किसी का नहीं सुनने वाला, गुस्से में कोई व्यक्ति किसी की नहीं सुनता है। तो क्या होगा, मान लीजिए इस व्यक्ति का दुख अगर किसी और भी वहां पे जो लोग हैं उनका दुख रहा, तो बाकी दुखी लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे, हाँ 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 सही है सही है सही है। अब क्या होगा, ये दुख था हमारा, अब बाकी दुख भी ज्वाइन हो गए तो हम महादुखी हो जाएंगे। तो इसलिए भी दूसरी चीज, ये व्यक्ति चिल्लाएगा, ऑपरेशन डिस्टर्ब करेगा ना अपना, अभी सब लोग हमारे यहाँ तमाशा तो बंद हो गया दिखाना, लेकिन तमाशा देखने वाले अभी भी जिंदा है, किसी ने वीडियो बना लिया, हाँ तमाशा देखने वालों ने, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एक तो ऑपरेशन डिस्टर्ब, फिर हमारी कंपनी का नाम भी खराब हो सकता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, सबसे पहले आइसोलेट। यस सर, एक मिनट आप यहाँ पे आ जाइए। यस मैडम, अच्छा मैडम रहेंगी तो क्या ध्यान रखेंगे? तो मैडम के लिए मैडम होना चाहिए और मैडम के साथ आप भी होना चाहिए। अगर मैडम कैपेबल है, सुपरवाइजर है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैडम अकेले भी हैंडल कर सकती है, लेकिन अगर मैडम को हमारी जरूरत है तो एक सिक्योरिटी गार्ड या फिर आप खुद जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर आप यूज करेंगे सेटल मेथड का। सेटल मेथड सबसे पहले क्या है, एस, एस का मतलब है स्टे काम एंड कंपोज्ड। अच्छा, काम का मतलब क्या है सर? कार्य ना, काम अपन जो करते, नहीं रे बाबा, इस काम का मतलब वो काम नहीं, इस काम का मतलब शांत। अच्छा, शांत होना मतलब है इसका, ठीक है? तो क्या शांत करेंगे, अपने मन को शांत कीजिए, अपनी मनोस्थिति को शांत कीजिए। क्या हो, मन को ठेस लगती है ना, तो मन का जो अहंकार होता है ना, क्या करता है, तुरंत गुस्सा लाता है। अभी वो जो व्यक्ति गुस्से में है ना, उसका अपने आप कंट्रोल है, ठीक ना, अपने आप पे कंट्रोल है ना, उसको अपने शब्दों पे कंट्रोल है, आपको भी वो बुला भरा कह सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमको शांत रहना है, ठीक है ना? दूसरा कंपोज्ड, कंपोज्ड का मतलब गाने कंपोज करने, सर उधर ए रामायण के
नहीं रे बाबा, उधर क्या कंपोज रहे, मतलब संयमित रहना, शांत और संयमित रहे। तो शांत क्या रखेंगे, अपने मनोस्थिति को शांत रखें, और कंपोज क्या करना है, तो अपनी वाणी को संयमित रखें, और दूसरा अपने बॉडी लैंग्वेज को भी संयमित रखें। ये नहीं बोल कुत्रिया बोल बोल, कितनी बोला तुला, ये नहीं बोला अभी, क्या वाणी भी खराब हो गई और आपकी बॉडी लैंग्वेज, इसलिए अब तू जैसे बोल के रुकेगा आज तो कुतर दूंगा मैं, समझ में आया। तो क्या करना है, अपनी मनोस्थिति भी आप शांत कीजिए और अपने आप को वाणी और फिजिकल स्टेट में एकदम संयमित रखिए। ये कर लिया, दूसरा स्टेट इंगेज विद एक्टिव लिसनिंग। क्या करना है, एक्टिव लिसनिंग का इस्तेमाल करना है। कैसे मालूम पड़ेगा सामने वाले को हम ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अभी मैं किसी को बता रहा हूं, बोल रहा हूं, तो सामने वाला मुझे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा? आई कॉन्टेक्ट। कैसे मालूम, जब वीडियो में बना रहा हूं लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, कंटिन्यू कैमरे में देख रहा हूं, बराबर है ना, तो मेरा एक्टिव लिसनिंग है, समझ में आ रहा है? अब मैं एक्टिवली बोल रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन जब कोई व्यक्ति अगर किसी को आपको दिखाना है कि आप उसको ध्यान से सुन रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना है आई कॉन्टेक्ट बना के रखना। आई कॉन्टेक्ट बना हुआ है, इट मीन यू आर एक्टिवली लिसनिंग, उसको आप ध्यान से सुन रहे हो, उस व्यक्ति को यह मैसेज जाएगा, यस ये व्यक्ति मेरे ध्यान से सुन रहा है, अदरवाइज बोल रहे हो और आप बोल नहीं जा रहे आप, अभी एक्टिव लिसनिंग है क्या? नहीं, ये एक्टिव लिसनिंग नहीं है रे बाबा। इससे क्या होगा, वो व्यक्ति आपसे इंगेज नहीं होगा और आप भी उससे इंगेज नहीं हो पाओगे। ओके, तो क्या करना है, आई कांटेक्ट बना के रखना है। दूसरी इम्पथी, इम्पथी का मतलब होता है इम्पथी सिंपथी, सेम मतलब क्या है, सहानुभूति। हाउ बराबर बोल रहे मैडम, हाउ खरा है तुमसे, हाँ बराबर बोल रहे मैडम, सही बात है। अरे ये ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सही बोला, आपका बहुत गलत हुआ। ये है सहानुभूति, एक्सप्रेशन से भी और वाणी से भी और आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको इम्पति दिखानी है सामने वाले को, तू खरा सा है, तू देव मानुष है, तुझा बराबर चुके से झाला है, तेरे साथ गलत हुआ है, बराबर है, ये आपको बोलना है। तो ये आपने दो स्टेप कर लिया। अब देखिए, ये जैसे ही दो स्टेप आप करेंगे ना, क्या होगा, आपके और उसके बीच में एक रिलेशन बिल्ट हो जाएगा। रिलेशन किसका बनेगा, कौन सा रिलेशन बनेगा, शुभ चिंतक का, ठीक है ना। जब भी कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो, आप उसे कंधे पे हाथ रख दीजिए और उसका हाथ ऐसे पकड़ के उसको बोल दीजिए, क्या, अब आपने कुछ बोला नहीं है लेकिन मतलब क्या है, वही नहीं, इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ हूं, ये संदेश जाता है, ठीक है ना। तो भी आपने यहां कुछ बोला नहीं है लेकिन क्योंकि आपने उसको एक्टिवली सुना है, शांत होकर सुना है, ठीक है ना, और उसके बातों पर आपने सहानुभूति प्रकट की है, इसलिए क्या हो गया, आपके और उसके बीच में रिलेशन बिल्ट हो गया। अब रिलेशन बिल्ट हो गया है तो आदमी हमेशा अपनों की सुनता है। रिलेशन का मतलब क्या, अपना, आप एक शुभचिंतक बन गए जो अपने हैं। तो अब व्यक्ति अब, क्योंकि इसने लावा वगैरह सब निकाल दिया अपने अंदर का, जो गुस्सा था, अपनी बातें थी, सब बता दी आपको, अब ये थोड़ा दम लेगा और फिर आपको यहां से कमान संभालनी है। क्या करना है, टॉक क्लियर एंड सेट बाउंड्रीज। टॉक क्लियर मंजे सर, ये दांत ब्रश करके बोलने का, अच्छा बाउंड्रीज मतलब क्या, लक्ष्मण रेखा खींचना उसके अगल बगल, नहीं रे माकड़ा ऐसा नहीं करना। टॉक क्लियर का मतलब क्या है और सेट बाउंड्रीज का मतलब क्या है, अभी आपने उसकी बातें सुनी, आपको उसकी समस्या समझ में आ गई, आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी सुपरवाइजर या सिक्योरिटी ऑफिसर, आपके पास उसकी समस्या का क्या समाधान है, ठीक है ना, वो उसको आप क्लियरली बताइए, ठीक है ना। ओके, और जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आपने समस्या सुनी, जो ऑप्शन उसका समाधान क्या है आपके पास, उस समाधान को उसको एक्सप्रेस कीजिए, इसको बोलते हैं टॉक क्लियर और सेट बाउंड्रीज। मतलब जो भी समस्या का समाधान आपके पास अवेलेबल है, जैसे अभी मान लीजिए अभी टीवी आप लेने जाते हैं शोरूम में, ठीक है ना, तो टीवी आप लोग 5 साल 3 साल 2 साल का वारंटी देते हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज बोलते हैं क्या, फिजिकल डैमेज का कोई वारंटी नहीं है। अभी आपने अपनी वाइफ से झगड़ा किया, आपकी वाइफ ने बेलन फेंक के मारा, आप नीचे झुके, आपका सिर तो बचा लेकिन टीवी तो फूटा। अब आप टीवी लेके गए, बोल रहे सर 2 दिन हुआ है लिए हुए, अरे ठीक है सर, लेकिन फिजिकल डैमेज कवर नहीं होता ना। तो जो जो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा टीवी वाला आपको बताएगा, सर हमने बोला था गारंटी है, लेकिन अगर कोई अंदर पार्ट खराब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उसका गारंटी लेंगे हम। ये तो आपकी बीवी ने आप पे प्रहार किया है और बेचारे इसकी हार हुई है टीवी की,
तो इसका थोड़ी ना हम लोग देंगे गारंटी, बराबर है ना। तो वैसे ही ये जो समस्या इसके सामने उत्पन्न हुई है, फेस की है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति दुखी है, उसको सुनने के बाद आपके पास एज ए सिक्योरिटी गार्ड जो भी ऑप्शंस है आप उसको क्लियरली बताएंगे। इसका ही ये ही मतलब है टॉक क्लियर और सेट बाउंड्रीज, लक्ष्मण रेखा नहीं खींचने के। ये आपने कर लिया, अब उसका स्टेप है टेक एक्शन ऑन बिजनेसमेंट, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, एक्शन चाहे बहुत ज्यादा बोला रहे तू लोग तेरे बताता हूं। नहीं देखिए, आपने उसने बातें कही, आपने बातें सुनी, ठीक है ना, लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी समाधान नहीं हो रहा है उसको, ठीक है ना, या फिर आप कोई भी ऑप्शंस देने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर मदद के लिए अपने सुपीरियर को बुला सकते हैं। याद रखना, सिक्योरिटी में जब भी आप काम कर रहे हैं तो अगर कहीं कोई बात फंस जाती है, कहीं मुश्किल में फंस जाते हैं आप, तो हमेशा अपने सुपीरियर की मदद ले, मदद लेने से चूके नहीं। देखो तो फुटबॉल का गेम आपने देखा है, एक टीम इधर एक टीम इधर, ठीक है ना, दोनों टीम का लक्ष्य क्या है, जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल इसको उनके अपोजिट वाले गोल पोस्ट में गोल करना है। और एक व्यक्ति फुटबॉल लेके कब तक दौड़ता है, जब तक उसको लगता है कि फुटबॉल मेरे पास संभाल के मैं वहां तक लेके जा सकता हूं, लेकिन जैसे उसको लगता है टीचा आए लोग सबने घेर लिया मेरे को, अब तो मैं फुटबॉल संभाल नहीं पाऊंगा, तो क्या करता है वो, क्या बोलते हैं, रामो घेरे, फिर क्या करता है, अपने ही टीम के किसी मेंबर के पास उस फुटबॉल को पास कर देता है। तो वो जो व्यक्ति फुटबॉल से पहले खेल रहा था वो कौन है, वो है आप, सिक्योरिटी गार्ड। आपने मतलब भरपूर कोशिश की, क्या फुटबॉल मतलब क्या, वो समस्या को समझाने की, समझने की और संभालने की, लेकिन अब आपसे नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, रामू अपना दोस्त, अपना सुपरवाइजर, अपना सिक्योरिटी ऑफिसर, जो भी आपका सुपीरियर हो, उसको करना अपनी समस्या परेशान पास कर दी। अब आगे की जो कार्रवाई है वो क्या करेगा, अपना रामू करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सुपरवाइजर करेगा, आपका सिक्योरिटी ऑफिसर करेगा, जो भी आपका सुपीरियर रहेगा वो करेगा, ठीक है ना। आपने यहां पे समस्या सुनी, आपने यहां समस्या जो आपके ऑप्शन अवेलेबल थे वो कही, अब आप दोनों को मिलकर कोशिश करनी है उनको समझाने की और समस्या का समाधान करने की। पांचवा ऑप्शन क्या है, देखो यही है, लीड सिचुएशन टू सेफ रेजोल्यूशन। मतलब क्या करना है, आप दोनों, जब आपने कहा कि आपने सुपीरियर को बुलाया मदद के लिए, ठीक है ना, तो आप दोनों को मिलकर कोशिश करनी है कि जो सिचुएशन हमारे सामने, ये जो परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हुई है, उसका हम लोग एक सेफ रेजोल्यूशन निकाले। सेफ रेजोल्यूशन का मतलब क्या, उस व्यक्ति की समस्या सुलझ जाए, ठीक है ना, या उसको ऐसा कोई एड मिल जाए, मतलब राहत मिल जाए, ऐसा कोई सोल्यूशन हम उसको दे पाए। अगर नहीं दे पाए तो हमारे यहाँ पे तो सीधी बात है, अगर किसी भिखारी को पैसा नहीं दे पाए तो क्या बोलते हैं, माफ करो पापा, तो आपको करना है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से माफी मांग लेनी है, और उनकी समस्या का अगर मतलब कोई और डिपार्टमेंट सॉल्यूशन कर सकता है तो उनका उनको रेफर कर देना। आप शांत रहिए, आप, मैं कोई नंबर दे रहा हूं, आप इनसे बात कर लीजिए, ठीक है ना, ये सर इस चीज को देखते हैं, ठीक है ना। आपने क्या किया, सेफ रेजोल्यूशन दे दिया। अब क्या है, लास्ट स्टेप है ई इवेलुएट एंड डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट। अब ये क्या हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है, अगर आपके यहाँ पे नागोबा भी निकलेगा, सांप भी निकलेगा प्रीमाइसेस में, तो वो भी क्या है, इंसिडेंट। पुलिस वाला आएगा, पुलिस वाला, तो वो भी क्या है, इंसिडेंट। बीएमसी वाला आया तो वो भी इंसिडेंट, ठीक है ना, कोई नियर मिस हो गया तो वो भी इंसिडेंट, तो ये भी क्या है, इंसिडेंट। तो इंसिडेंट का रिपोर्ट राइटिंग जरूरी है। इवेल्युएट का मतलब क्या, पूरी स्थिति को फिर से दिमाग में घुमाओ कि कैसे, कब कब क्या क्या हुआ था। तो इंसिडेंट का फॉर्मेट आपके पास पहले से होगा, ठीक है ना, तो इंसिडेंट फॉर्मेट में क्या करना है, आपको सारी डिटेल फिल करनी है और उस इंसिडेंट को क्या करना है, डॉक्यूमेंटेड करना है। ये काय को करते हैं सर, तो ये इसलिए करते हैं ताकि आपका सिक्योरिटी का काम दिखे। कई बार सिक्योरिटी पे आरोप लगते हैं, तुम्हें काय करता हो, तुम्हें क्या करता है, तो इंसिडेंट बुक रजिस्टर बताएगा कि आमी क्या करता है। ओके, तो ये इसलिए हमेशा जो भी इंसिडेंट आपके प्रिमाइसेस में हो उसको क्या करना है, तुरंत डॉक्यूमेंटेड करना है, इससे आपका काम भी देखेगा। और मान लीजिए फ्यूचर में जाकर हमको कोई ऑडिट वगैरह हो या फिर हमको इसलिए रिफर करना हो तो लिखा रहेगा, तभी तो रिफर करेंगे, ठीक है। इसलिए इंसिडेंट को डॉक्यूमेंट करना ये लास्ट स्टेप है। तो यही है आपका सेटल मेथड, स्टे काम एंड कंपोज, इंगेज विद एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी, टॉक क्लियर एंड सेट बाउंड्रीज, टेक एक्शन बेस्ड ऑन असेसमेंट, लीड सिचुएशन टू सेफ रेजोल्यूशन, इवैल्यूएट एंड डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट।
अगर आप यहां तक आ गए हैं इसका मतलब आप एक सीरियस सिक्योरिटी गार्ड है और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में करियर करना चाहते हैं, अपने भी सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जिसे लोगों के लिए ही हमने लॉन्च किया है स्पेशलाइज्ड कोर्स फॉर सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर, एरिया ऑफिसर, ऑपरेशन मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर। इस कोर्स में इनरोल करके आप बड़ी आसानी से इन पोस्ट के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और अपने मन चाहे करियर को हासिल कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें आपकी डिटेल और आपके कोर्स को जल्दी से लीजिए और उसके बाद अपने लाइफ में अपग्रेड कीजिए और अपनी पोस्ट और कमाई दोनों बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।